वेलकम टू मेक विश शोभना। आप मेरे साथ मेरे वीडियोज में देखेंगे कुछ सजाना, कुछ बनाना और कुछ खाना पकाना। और मेरा वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे गुजरात और राजस्थान की बहुत ही सुंदर एक ट्रेडिशनल आर्ट का सैंपल, जिसे हम वॉल डेकोरेशन के लिए यूज करेंगे, उसे कहते हैं लिप्पन आर्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, मिरर्स, कलर्स, ब्रशेस और ग्लू। पीओपी को हम छान के रख देंगे और चाहिए एक हार्डबोर्ड। ये मेरे पास एक खाली डिब्बा था, उसको मैं यूज कर रही हूँ। उसके ऊपर कुछ प्रिंट था, उसको हाइड करने के लिए मैं कलर की कोटिंग कर रही हूँ। कलर आपको जो पसंद हो वो आप चूज कर सकते हैं। तीन बार कोटिंग करने के बाद ये हमारा मैरून कलर का बेस तैयार हो गया। इसके चारों कोनों पे मैंने मिरर लगा दिया, बाकी मिरर भी थोड़ा थोड़ा ग्लू लगा के चिपका देते हैं। ये बहुत इजीली लग जाते हैं। और मेरे पास गोल शेप के ही मिरर थे, इसलिए मैंने इनको यूज कर लिया। आप अपने हिसाब से जैसी शेप में आपको पसंद हो वैसे मिरर ले सकते हैं। चारों कोनों पे लगाने के बाद मैंने इसको मिडिल में भी मिरर लगा के तैयार कर लिया। और पहले से हमने लाइन ड्रॉ करके रखी थी, उसी के ऊपर मैं एक्रेलिक कलर से इन लाइनों को पक्का कर रही हूँ। अब इसके लिए हम घोल बना रहे हैं, जिसमें पीओपी के पाउडर में पानी मिक्स कर रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा ग्लू डालूंगी और जैसे हम पहले मेहंदी का कोन बनाते थे ना, बिल्कुल वैसा ही एक स्मूथ पेस्ट हमें चाहिए। देखिए ये तैयार हो गया। इस कोन से अब जो हमने पहले लाइन ड्रॉ करके रखी थी उसी के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। पूरा डिजाइन इसी तरह से बना लेंगे, कुछ लाइंस और कुछ डॉट्स के साथ। ये हमारा एक सुंदर सा पैटर्न तैयार होने जा रहा है। आई होप कि आपको भी ये आइडिया पसंद आएगा, आप भी जरूर एक बार ट्राई करेंगे। ये देखिए, एक खाली डिब्बे को कुछ लाइंस और कुछ डॉट्स और मिरर के साथ में हमने एक सुंदर सा डिजाइन दे दिया। मैं फैब्रिक कलर से कोटिंग कर रही हूँ, इससे इसमें अच्छी सी शाइनिंग आएगी। आप चाहें तो जो पीओपी का कलर था वो भी रख सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन मुझे ब्राइट कलर पसंद है इसलिए मैं इसको लगा रही हूँ। जहाँ बेस में मैरून था उसके ऊपर मैं वाइट कलर कर रही हूँ, और जहाँ बॉर्डर पे लाइट कलर है उसके ऊपर मैं मैरून कलर कर रही हूँ। ये कलर की मैंने दो दो बार कोटिंग की है जिससे कि इसका ब्राइट कलर आ जाए। ये देखिए, लगभग ये पीस हमारा तैयार हो गया है वॉल डेकोरेशन के लिए। सिर्फ कुछ पेशेंस, कुछ टाइम और कुछ चीज़ के साथ ये हमारा एक आइटम तैयार हो गया। तो आपको ये आइडिया कैसा लगा और ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए और एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। ये फिनिशिंग के साथ हमारा पीस तैयार होने जा रहा है।
पहले जो प्रिंटेड लाइट कलर का पतला सा बॉर्डर था उसको भी ब्लैक कलर कर दिया, अभी डार्क हो गया है, अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको ये आइडिया कैसा लगा, ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।